हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल इन अ सेल के प्रेडिक्शंस और रिजल्ट्स के बारे में, जो है 100% करेक्ट। दोस्तों, क्या आप रेडी है हेल इन अ सेल के लिए? ये स्मैकडाउन पेपर व्यू एकदम खतरनाक, खून भरा और जबरदस्त होगा। हेल इन अ सेल की डेट है अक्टूबर 8, 2017। उसका वेन्यू होगा डिट्रॉइट मिशिगन में। उसका थीम सॉन्ग है ब्रेकिंग आउट ऑफ हेल बाय एयरबॉर्न। पहला मैच होगा बॉबी रूड वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर। दोस्तों, डॉल्फ ज़िगलर पागल हो गए हैं सिंस 2-3 वीक्स, क्योंकि वो हर रेसलर के एंट्रेंस की कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने हद तो तभी की जब उन्होंने अंडरटेकर के एंट्रेंस की कॉपी की। ये शायद उनका नया स्टूपिड गिमिक है। पर इस हफ्ते के स्मैकडाउन में आपने देखा होगा कि बॉबी रूड डॉल्फ ज़िगलर को इंटरप्ट करते हैं और उन दोनों का मैच हमें देखने मिलेगा हेल इन अ सेल में। इस पेपर व्यू में बॉबी रूड अपना डेब्यू करेंगे, तो इस मैच के विनर हो सकते हैं बॉबी रूड। अगली मैच होगी रैंडी ऑर्टन वर्सेस रूसेफ। दोस्तों, रैंडी वर्सेस रूसेफ की एक क्विक मैच हमें समर स्लैम में देखने मिली, जहां रैंडी ऑर्टन जीते थे। तो अब शायद ऐसा ना हो। रूसेव एक यंग टैलेंट है और रैंडी ऑर्टन उनको हेल्प करेंगे सक्सेसफुल बनने के लिए। इस हफ्ते के स्मैकडाउन में हमें देखा कि कैसे रैंडी ऑर्टन ने एडन इंग्लिश और रूसेव को आरकेओ दिया। हेल इन अ सेल में शायद रैंडी को एडन इंग्लिश डिस्ट्रैक्ट करेंगे और रूसेव फिर रैंडी को अटैक करके मैच जीत जाएंगे। तो इस मैच के विनर होंगे रूसेव। अगली मैच होगी नटालिया वर्सेस शार्लेट फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। दोस्तों, नटालिया एक ओल्ड रेसलर है जो WWE में पिछले 8-9 साल से है, पर उन्होंने जो अभी वुमेन्स टाइटल जीता है, वो टाइटल उन्होंने 2-3 साल बाद जीता है, और वो बहुत अच्छा भी काम कर रही है एज अ चैंपियन। शार्लेट ऑलरेडी 6 टाइम चैंपियन रह चुकी है, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता उनको चैंपियन बनाने के लिए। और वैसे भी WWE सोच रही है शार्लेट के न्यू ओपोनेंट के बारे में, तो ये मैच में वो नहीं जीतेगी। तो आपकी विनर और स्टिल स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन होगी नटालिया। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए दोस्तों एजे वर्सेस बैरन कॉर्बिन है, पर अगले हफ्ते एजे वर्सेस बैरन कॉर्बिन वर्सेस टाय डिलिंजर चेंज हो सकता है WWE स्मैकडाउन में। दोस्तों, ये दो ऑप्शन इसलिए दिए मैंने क्योंकि टाय डिलिंजर, एजे स्टाइल्स और बैरन कॉर्बिन तीनों ही इन्वॉल्व्ड है इस राइवलरी में। अभी फिलहाल बैरन कॉर्बिन वर्सेस एजे स्टाइल्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बुक्ड है, पर हो सकता है कि अगले हफ्ते टाय डिलिंजर भी ऐड हो जाए। एजे स्टाइल्स को WWE चैंपियनशिप के पिक्चर में डालना है WWE को, इसलिए वो स्टाइल्स को शायद ना जिताए, पर वो एजे स्टाइल्स को प्रोटेक्टेड रखेंगे। बैरन कॉर्बिन टाय डिलिंजर को पिन करेंगे। तो इस मैच के विनर और आपके न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हैं बैरन कॉर्बिन। नेक्स्ट मैच इज न्यू डे वर्सेस द उसोस फॉर स्मैकडाउन टाइटल्स इन हेल इन अ सेल। दोस्तों, ये पहला मैच है आउट ऑफ टू जो होगा हेल इन अ सेल में। ये एकदम जबरदस्त मैच होगा। उसोस जब से हील टर्न हुए हैं, तब से कमाल कर रहे हैं, और न्यू डे तो बेहतरीन है ही, तो हमें और ज्यादा खतरनाक मैच इनका देखने मिलेगा। र्यूमर्स ये है कि स्मैकडाउन के कमजोर टैग टीम डिवीजन को ध्यान में रखते हुए टाइटल चेंज होंगे हेल इन अ सेल में। लोग बोर हो गए हैं न्यू डे वर्सेस उसो के फ्यूड से, पर WWE इनकी मैच फिर सर्वाइवर सीरीज में रखेंगे, क्योंकि WWE के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस मैच के विनर्स और आपके न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस बनते हैं द उसोस। नेक्स्ट मैच जिंदर महाल वर्सेस शिंस्के नाकामुरा फॉर WWE चैंपियनशिप। दोस्तों, बहुत लोगों ने जिंदर को हेट किया कि वो काबिल नहीं है नाकामुरा को हराने के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि ये वही अमेरिकन रेसिस्ट लोग हैं जिनको जिंदर पसंद नहीं। जिंदर ही है जो इस फ्यूड को जिंदा रख रहे हैं। नाकामुरा ढंग से इंग्लिश नहीं बोल सकता और ये फ्यूड को आग लगा देगा। व्हाट अ जोक।
दोस्तों जिंदर महल नाकामुरा के अजीबोगरीब फेसेस का मजाक उड़ाते हैं सिंस टू वीक्स, पर नाकामुरा इस हफ्ते में जिंदर और सिंह ब्रदर्स को अटैक करते हैं। अगले हफ्ते शायद जिंदर उनको मजा चका दे। और दोस्तों र्यूमर्स है कि द ग्रेट खली भी आ सकते हैं जिंदर की मदद करने हेल इन अ सेल में। WWE इंडिया December 3 को आ रहे हैं, तो जिंदर अपना बेल्ट बिल्कुल नहीं हारेंगे। तो इस मैच के विनर और स्टिल आपके WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल। दोस्तों अब मेन इवेंट की बारी, केविन ओवंस वर्सेस शेन मैकमैन इन हेल इन अ सेल। दोस्तों ये दूसरा और आखिरी मैच है जो होगा हेल इन अ सेल में। इस मैच में इमोशंस, पर्सनल स्टफ, ब्लड सब इंक्लूडेड है। केविन ओवंस और शेन मैकमैन की फ्यूड की शुरुआत हुई एजे स्टाइल वर्सेस केविन ओवंस के फ्यूड से। उन दोनों में काफी नोकझोंक होती थी, पर अभी उनकी फाइट बढ़ गई। विंस मैकमैन, शेन मैकमैन के डैड ने केविन ओवंस से बात की, पर केविन ओवंस ने उन पर भी बेरहमी से अटैक किया, एक 72 ईयर ओल्ड इंसान को बुरी तरह से मारा। इस मैकडाउन में आपने देखा होगा कि केविन ओवंस सैमी ज़ेन को अटैक करने जाते हैं, तब शेन मैकमैन उनको बचाने आते हैं और केविन ओवंस क्राउड से भाग जाते हैं। दोस्तों ये मैच बड़ी जबरदस्त होगी, शेन तो कहीं से भी कूद जाते हैं, तो बेशक वो इस मैच में भी कूदेंगे, ब्लड भी होगा ये मैच में। तो इस मैच के विनर हो सकते हैं केविन ओवंस। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी कौन सी फेवरेट मैच है इनमें से, और आप किसको जीतता देखना चाहेंगे। सो गाइस प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।